प्यारे बच्चों, आज से हम आपका क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए हम आपको पहले बता देते हैं सैन्य विज्ञान का परिचय। बच्चों, आप लोगों में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से क्या, हमें लगता है लगभग 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कि सैन्य विज्ञान अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे। बताइए, इंटर तक आप लोग 12 कक्षा तक आप पास कर चुके हैं, लेकिन सैन्य विज्ञान के बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। यहाँ बीए में आने के बाद आप लोगों को पता चला होगा कि सैन्य विज्ञान या मिलिट्री साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट होता है ना? ऐसा सही बात है, ऐसा है बेटा। और हमें उम्मीद नहीं है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे पढ़े होंगे, हाँ एक दो बच्चे हो सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सैन्य विज्ञान जो है ये बच्चों आप लोगों को सबसे अधिक मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, अच्छा नंबर भी देगा और पढ़ने में ये रुचिकर भी होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में आपको बोरियत महसूस होगी, बिल्कुल नहीं, ये पढ़ने में जो है रुचिकर भी है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा, ये के पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है, रुचिकर भी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सैन्य विज्ञान में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, युद्ध कला के बारे में पढ़ेंगे, हथियारों के बारे में पढ़ेंगे, प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, युद्ध कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न पैतरेबाजी के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, रक्षा एवं सुरक्षा, एक मानव जीवन जितनी परिस्थितियों से इसको जो है गुजरना पड़ता है, यानी जब जब इसके ऊपर, जिन परिस्थितियों में इसके ऊपर खतरा आ सकता है, हमको रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के अंतर्गत सब कुछ पढ़ना है। हाँ, प्रारंभ में क्षेत्र सीमित था, केवल हथियारों के बारे में पढ़ना पड़ता था, युद्ध के बारे में पढ़ना पड़ता था, प्रशिक्षण के बारे में पढ़ना पड़ता था, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि इसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो गया है और आज हमको जो है बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसको रक्षा सुरक्षा शब्द से जोड़ा गया है। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं, मानव जीवन, मानव जब से पैदा हुआ है तब से किसी ना किसी रूप में युद्ध उसका सहचर रहा है। आज भी देखिए, क्या गांव में युद्ध नहीं होते, मारपीट होती है बेटा, अड़ोस पड़ोस में मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपको दूसरों के घर में हो रहे झगड़े में आनंद आता है, उसी तरह समझ लीजिए कि जब दो राष्ट्रों में युद्ध आता है या फिर हम लोगों को युद्ध कला पढ़नी पड़ती है या पढ़ते हैं हम लोग, तो वैसे ही जो है उसमें रुचि होती है, बफरते लड़ाई अपने घर में ना हो, अपने देश से दूसरे देश से ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल हम तो थोड़ा से वैसे बोल दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और आपको पढ़ाएंगे। हम लोग सिर्फ मिलिट्री साइंस पढ़ेंगे, डिफेंस स्टडी या सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान। चलिए, युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन, यानी मानव जब से पैदा हुआ तब से चाहे भले उसके पास कुछ ना रहा हो, लेकिन युद्ध बराबर करता रहा है। ठीक है, जैसे प्रारंभ में आदिमानव जानवरों के शिकार के लिए हथियार उठाया, अब बाद में शिकार के बंटवारे को लेकर मानव मानव के बीच में हथियार उठाया गया। अब देखा जाए तो प्रारंभ में जो हथियार उठाया गया वो किसके लिए, भोजन के लिए, शिकार के लिए आदिमानवों ने उठाया। हथियार कौन से, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डियों के, गाय जानवरों की सींगों के। ठीक है, वो तो विस्तृत क्रम में आज हम लोग जो है पत्थर युग से लेकर आज हम लोग कहाँ तक पहुँच आए हैं, परमाणु युग, साइबर युग, इन सब तक हम पहुँच आए हैं, कंप्यूटर युग तक। आज कंप्यूटर भी एक हथियार बन चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में जो है ये गुटबंदी के कारण ये सैन्य संगठन का प्रारंभिक रूप था। गुटबंदी का मतलब एक दूसरे समूह पर एक दूसरे समूह का आक्रमण। ठीक है बच्चों, एक दूसरे समूह पर एक दूसरे समूह का आक्रमण। वही समूह बाद में राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया, प्रारंभ में गांव के रूप में, फिर शहरों के रूप में, फिर राज्यों के रूप में जो है परिवर्तित हो गया, जैसा आज युद्ध हो रहा है। ये व्यक्तिगत बात है कि हम लोग अड़ोस पड़ोस वाली लड़ाई ज़रूर करें, करते हैं, लेकिन जो युद्ध वास्तव में जो युद्ध होता है वो राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में होता है। जैसे इसमें भारत और चाइना के बीच में हो रहा है, भारत चाइना क्या, वो तो लगभग संपूर्ण पूरे विश्व से टकरा रहा है। चलिए फिलहाल उधर नहीं, बच्चों इधर देखिए, सैन्य विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे।
सैन्य विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सैन्य प्लस विज्ञान, अर्थात सेना तथा विज्ञान। अब इसमें देखा जाए तो सेना किसको कहते हैं हम लोग, सेना है जो लड़ाकू व्यक्तियों का प्रशिक्षित समूह है जिनमें हथियार, युद्ध नीति एवं युद्ध कला भी शामिल होता है, अर्थात लड़ाकू व्यक्तियों का ऐसा समूह, अर्थात रक्षा करने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे जो है व्यक्तिगत उसी कार्य के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया गया हो, ट्रेनिंग दी गई हो, उसको लड़ाई करना, युद्ध करने की कला, युद्ध कला उसे सिखाया गया हो, ठीक है, उसे सेना कहते हैं। जिस प्रकार एक सैनिक जो होता है, सेना का एक छोटी सी इकाई होता है, सैनिक, सैनिक का मतलब सिपाही जिसे हम लोग बोलते हैं, फौजी। सिपाही क्या करता है, सिपाही किस लिए भर्ती होता है, सुरक्षा के लिए। पुलिस वाला क्या करता है, हम लोगों की सुरक्षा करता है। मिलिट्री वाला क्या करता है, राष्ट्र से सुरक्षा करता है, अरे वो विदेशी शत्रुओं से सुरक्षा करता है। पुलिस वाले अपने देश के अंदर के जो शत्रु हैं इनसे सुरक्षा करता है, ठीक है बच्चों, वो हम लोगों के ऊपर कानून का दांव पेच लगाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो है सेना प्लस विज्ञान, सेना जो है लड़ाकू व्यक्तियों का समूह, और विज्ञान क्या है, विज्ञान विज्ञान जो है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। आप लोग जानते होंगे विज्ञान की परिभाषा, आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, हाई स्कूल में, कि विज्ञान किसे कहते हैं, सीधे बोलते हैं क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसमें सैन्य विज्ञान में हम विज्ञान को क्या अर्थ निकालेंगे, कि जैसे विज्ञान एक निश्चित क्रम से होकर आज विस्तृत स्थिति में आज हम लोगों के लिए विकासात्मक कार्य कर रहा है, ऐसे ही युद्ध का क्रमिक विकासात्मक ज्ञान, यानी पत्थर युग से लेकर पत्थर युग, उसके बाद लकड़ी, सींगें, हड्डियाँ, धनुष बाण, तलवार, गदा, मुगदर, फरफे, उसके बाद हम लोग जो है बारूद, यानी बारूद के बाद बंदूकों से होते हुए, पिस्टल से होते हुए, तोपों से होते हुए, टैंक, लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, युद्धपोत आदि तक हम आज कहाँ पहुँचाए हैं, परमाणु बम के युग तक, परमाणु बम तक, परमाणु युग तक। इतना ही नहीं, हम लोग कंप्यूटर युग तक पहुँचाए हैं, एक स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण विश्व की जानकारी हम लोग ले लेते हैं उसी कंप्यूटर पर, जो आज एक हथियार बना हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, परिभाषा, सैन्य विज्ञान की परिभाषा देखिए। इसमें जो है विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास तो किया है, लेकिन कोई भी परिभाषा जो है पूर्ण नहीं है, ठीक है। पूर्ण क्यों नहीं है, इसलिए कि प्रारंभ में जो सैन्य विज्ञान का जो क्षेत्र था ये सीमित था, जिसमें हमने बताया युद्ध कला, सेना, हथियार, प्रशिक्षण, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन था। लेकिन आज की स्थिति जो है सैन्य विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, ठीक है, वर्तमान समय में सैन्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो जाने के कारण सैन्य विज्ञान को किसी दायरे के अंदर नहीं लाया जा सका और इसे परिभाषित करना भी कठिन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है जो कि वास्तव में पूर्ण नहीं है। फिलहाल कुछ परिभाषाएँ जैसे कैप्टन B.N. मालीवाल ने कहा है, सैन्य विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सैनिक विचारधारा, संगठन, सामग्री, कौशल और विकास का समाज के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें रक्षा और सुरक्षा शब्द नहीं जोड़ा गया, केवल सैन्य संगठन, सैन्य विज्ञान के बारे में बताया गया, इसमें सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक ही ये सीमित है। आगे देखते हैं हम लोग, मेजर श्यामलाल के अनुसार सैन्य विज्ञान एक सामाजिक विषय है जो हमें समाज में होने वाले युद्धों का कारण, प्रभाव, विधि एवं साधनों की जानकारी कराता है। अब इसमें देखिए, युद्धों के कारण, प्रभाव एवं विधि एवं साधन, इसके अतिरिक्त इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। चलिए, डॉक्टर लल्लन जी सिंह ने कहा है, सैन्य विज्ञान विशिष्ट ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक विषय होने के नाते सैन्य संगठन, शस्त्रास्त्र यानी हथियार,
प्रशासन, युद्ध कला आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, कैप्टन एमपी वर्मा ने लिखा है। सैन्य विज्ञान युद्ध नीति समरतंत्र यानी वही युद्ध कला तथा प्रशासन विद्या का विज्ञान है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी परिभाषा जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सैन्य विज्ञान आज जो है रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का रूप धारण कर चुका है। और आज के समय में इतना आप लोग भी याद रखिएगा, दोनों चीज़ आप लोग जानिए, सैन्य विज्ञान भी और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन भी। आपके सब्जेक्ट का नाम रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन भी है, इतना ध्यान रखिए बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आ जाता है सैन्य विज्ञान, ये विज्ञान है या कला, क्योंकि सैन्य के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन सेनाओं में क्योंकि विज्ञान है या कला, अब इस पे जो है मतभेद है, क्योंकि सैन्य विज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान किस लिए है, अब ये कारण बताया जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन एवं विकास। क्योंकि क्रमबद्ध अध्ययन वही पत्थर युग से लेके आज तक का, यानी एक प्रकार से ये क्रमिक विकासात्मक ज्ञान हम इसमें लेते हैं, किसके बारे में, युद्धों के बारे में और हथियारों के बारे में, इसीलिए इसको विज्ञान माना गया है। और एक सैद्धांतिक विषय होता है, सैद्धांतिक विषय पूर्णतया सैद्धांतिक नहीं। देखिए वर्तमान युद्ध पूर्णतया नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों पर निर्भर है, जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विज्ञान की ही देन है। हमारे तोप, टैंक, मिसाइलें, परमाणु बम, ये सब विज्ञान की ही देन है। ठीक है, इसीलिए विज्ञान भी मानते हैं। और हाँ, युद्ध क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों के समान युद्ध की सफलता के भी सिद्धांत होते हैं, और युद्ध के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करने वाला राष्ट्र ही विजयी होता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है अभी थोड़ी देर में हम आपको इसमें तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे, लेकिन एक बार पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सैन्य विज्ञान विज्ञान इसलिए है कि क्रमबद्ध हम लोग युद्ध और युद्ध कलाओं का और हथियारों का, हथियारों के विकासात्मक हम लोग क्रम से अध्ययन करते हैं, यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। ठीक है, ये सैद्धांतिक विषय है, क्योंकि वैज्ञानिक वर्तमान युद्ध में पूर्णतया नवीन वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, नए नए युद्ध यंत्र बनाए जा रहे हैं, नई नई युद्ध की विधियाँ निकाली जा रही हैं, ये सब वैज्ञानिक शोध पर ही निर्भर है। ठीक है, और युद्ध की सफलता के भी सिद्धांत हैं, युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने वाले राष्ट्र विजयी होते ही होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सैन्य विज्ञान एक कला है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों है इसलिए जो है इसको हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये कला क्यों है, इसका कारण इन्होंने वैज्ञानिकों ने ये बताया है। बच्चों देखिए, विज्ञान के जो नियम होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अणुओं को एक निश्चित मात्रा में जो भी है उसको मिलाया जाए तो पानी बनता है, चाहे रात में मिलाया जाए, चाहे दिन में मिलाया जाए, चाहे जैसे भी, चाहे जिन परिस्थितियों में मिलाया जाए, बरसात के मौसम में, चाहे जब भी, वो पानी उसको बनना ही बनना है। लेकिन युद्ध की स्थिति क्या है कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आई कि जहाँ जो है कहीं पानी बरसने के कारण रथ के पहिए धंस रहे हैं, जिनका परिणाम ये निकला कि बड़ी बड़ी सेनाएँ छोटी सेनाओं से पराजित हो गई, रथ नहीं काम कर पाए, धनुष नहीं चल पाए। ठीक है बच्चों, अचानक जैसे कभी कभी होता है ना भाग्योम संयोग की स्थिति, तो ये हो जाता है। तो इसलिए जो है, और युद्ध की जो तरीके हैं, दिन में युद्ध के जो विधियां हैं, जो युद्ध कला की जो नियम है, प्लेन भूमि पर अलग युद्ध करने की विधि है, समतल भूमि पर अलग विधि, पहाड़ी युद्ध कला की अलग विधि, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर अलग विधि, तो ऐसे का मतलब आज देखा जाए तो हर प्रकार के युद्धों की विधियां अलग अलग हैं। इसमें जो है कलात्मक पक्ष जो है ये भी है कि चकमा देने के लिए यार फुरंगें बिछाना, कांटेदार तार लगाना, खाइयों में बैठकर किलेबंदी करना आदि जो है ये हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई सिद्धांत नहीं है, जहाँ जिसकी टेक्निक सफल हुई वहीं वो विजयी हुआ। अब वैज्ञानिक प्रगति के साथ युद्ध के नियमों में लगातार परिवर्तन होता रहा है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब इसमें यही है कि विज्ञान इसलिए है कि क्रमबद्ध हम लोग अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक नियम शोधों पर आधारित है। कला इसलिए है कि विभिन्न परिस्थितियों में युद्ध के कलाएं, युद्ध के नियम परिवर्तित होते रहते हैं, हर प्रकार के भूमि में, हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार की ऋतुओं में युद्ध करने का अलग तरीका होता है, अलग युद्ध कला अपनाना पड़ता है विजय के लिए। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फैन विज्ञान के क्षेत्र। अब इसमें देखिए फैन विज्ञान के जो क्षेत्र हैं इसके बारे में हम अंतिम में हम पढ़ेंगे कि फैन विज्ञान जो है ये प्रारंभिक नाम है जिसका प्रारंभ में क्षेत्र सीमित था, ठीक है, जिसमें सेना, सैन्य संख्या, संगठन, युद्धकला, हथियार, प्रशिक्षण आदि जो केवल युद्ध तक ही सीमित होता था, युद्ध, मारपीट, लड़ाई झगड़े तक। और वर्तमान स्थिति क्या है, सैन्य विज्ञान का क्षेत्र युद्ध एवं युद्धभूमि से विस्तृत होकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ गया है एवं इसका नाम परिवर्तित होकर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय हो गया है। अर्थात आज के समय में हमारा सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान नहीं रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय हो गया है, जिसके कैफ में बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे देखिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बीए पार्ट वन वाले। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो सकता है एमए पे पढ़े, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सैन्य मनोविज्ञान है, रक्षा अर्थशास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, युद्ध एवं राजनीति है, ठीक है, युद्ध एवं राजनीति। इसके अतिरिक्त भी जो है बहुत से सब्जेक्ट इसमें, बहुत से पेपर ऐसे हैं, जैसे आप लोग देखिए भारतीय युद्ध कला पढ़ रहे हैं, उसके बाद पाश्चात्य युद्ध कला आप लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर में, ये भी रक्षा अध्ययन का ही यानी सैन्य विज्ञान का ही एक पार्ट है। उसके बाद सैन्य मनोविज्ञान युद्ध का अध्ययन थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, एक पेपर है अरे स्ट्रैटेजिक विचारधारा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक थाट या विचारधारा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें विभिन्न जो है सेनाध्यक्षों के बारे में, सफल सेनाध्यक्षों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए नया है, आराम से आप लोग समझ के पढ़िएगा, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कई बार सुनिए इसको, लेकिन हाँ थोड़ा सा मन लगा के, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। हम कह समझ सकते हैं कि आप लोगों को सैन्य विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि इसको ज़रूरी इसलिए भी है कि आप लोगों ने बेटा कभी पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, आज आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इंटर के बाद बीए में एक नए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना कभी, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू किए हैं, तो सैन्य विज्ञान का मतलब आप लोग समझ गए। इसका नाम आजकल क्या हो गया है, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज या रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन। हो सकता है ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि सैन्य विज्ञान का वर्तमान नाम क्या है, तो इसलिए आप लोग जो है दोनों नाम याद रखिएगा, मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान एवं रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, ठीक है बच्चों। चलिए